बहुत अच्छी लगी. द फर्स्ट हाफ वाज सो क्रेजी. हम लोग अपनी सीट से ऊपर, वी वर लिटरली लाफिंग ऑल द टाइम. गुड न्यूज ने गुड न्यूज दी है कि पिक्चर बहुत अच्छी है. स्क्रिप्ट पे प्रॉपर मेहनत की गई है. डायलॉग बहुत हिलेरियस है. स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है. नहीं, वेरी गुड फिल्म है. फ्रेंड्स, फाइनली एंड ऑफ द ईयर आ गई है अक्षय कुमार की गुड न्यूज. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं बॉलीवुड टशन. फ्रेंड्स, आपको बता दें आज स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी अक्षय कुमार की गुड न्यूज के लिए, जहां पे बहुत सारी ऑडियंस आई है. और आइए हम ऑडियंस से जानते हैं उनको ये जोड़ी कैसी लग रही है, जहां पे कियारा आडवाणी, दिलजीत, यहां अक्षय कुमार और करीना कपूर का तड़का हमें देखने को मिलेगा. तो आइए ऑडियंस से जानते हैं उनको ये जोड़ी कैसी लगी है और कितना ज्यादा इंजॉय किया है उन्होंने इस मूवी को. आपको कैसी लगी मूवी गुड न्यूज? अरे, गुड न्यूज़ के बारे में बस एक ही कहेंगे, ये गुड नहीं वेरी गुड फिल्म है. और आई थिंक इसकी जो स्टोरी है वो तो खैर हमने ट्रेलर में देखी थी, बट इसमें जो ह्यूमर डाला है काफ़ी इंटेलिजेंट ह्यूमर है. और हालांकि दिलजीत दोसांझ का कैरेक्टर थोड़ा लाउड है, बट वो एक स्टीरियोटाइप नहीं है. और आई थिंक ये मेरा पर्सनली मानना है कि ये अक्षय कुमार की उनके करियर की वन ऑफ हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज है. आई थिंक वो कॉमेडी अच्छा करते हैं, बट जिस अंदाज में उन्होंने इसमें इस फिल्म में निभाई है वो काफ़ी काबिल तारीफ है. और आई थिंक मेन किरदार जो क्रेडिट इसमें जाएगा वो है राइटर ज्योति कपूर और जो डायरेक्टर है फर्स्ट टाइम डायरेक्टर राज मेहता. तो आई थिंक ज्योति कपूर ने स्क्रीन प्ले बहुत ही बढ़िया लिखा है और जो डायरेक्टर है राज मेहता, आई थिंक उन्होंने काफ़ी मैच्योरिटी दिखाई है इस सब्जेक्ट को हैंडल करने में. करीना कपूर की एक्टिंग कैसी लगी? आई थिंक करीना कपूर एज ऑलवेज वो एक अच्छी आर्टिस्ट है और इस फिल्म में आई थिंक वो एक मुंबई बेस्ड जो कैरेक्टर प्ले कर रही है तो उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा निभाया है. बट आई थिंक मुझे कियारा आडवाणी जो है उनका जो इसमें किरदार है, एक चंडीगढ़ की जो एक लेडी है और उनमें एक इनोसेंस है, आई थिंक ये आफ्टर कबीर सिंह आई थिंक ये उनकी वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस है. और आई थिंक वो साबित करती हैं कि क्यों वो जनरेशन जो नई पीढ़ी के जो एक्टर्स हैं उनमें ये काफ़ी आगे है. किसकी जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, अक्षय करीना या दिलजीत? और आई थिंक दोनों की जोड़ी आई थिंक एरी गया, ये कहना गलत होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग कपल हैं, दोनों अलग अलग प्रांत से आते हैं या देश के. और बट दोनों की जो केमिस्ट्री है, चाहे वो अक्षय करीना हो, आई थिंक वो काफ़ी काबिल तारीफ है. और दिलजीत और कियारा में जो एक इनोसेंस है, खट्टा मीठा सा प्यार है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें. कितना स्टार देना चाहेंगे? आई थिंक इसमें मैं आराम से 3.5 या 4 स्टार देना चाहूँगा. आई थिंक ये बहुत ही अच्छी फैमिली फिल्म है और आई थिंक क्रिसमस का माहौल है. और मैं अर्ज करूँगा सभी देशवासियों से कि वो जाइए और ये गुड न्यूज़ देखिए, बिकॉज जब आप थिएटर से निकलेंगे तो यू विल लीव विद अ गुड फीलिंग इन योर हार्ट. मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी. गुड न्यूज़ ने गुड न्यूज़ दी है कि पिक्चर बहुत अच्छी है. कियारा और दिलजीत की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कियारा दिलजीत एकदम इनोसेंट कपल लगा है और अक्षय और करीना तो एकदम लाजवाब है. दोस्त चारों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, मतलब दोनों की जोड़ी चारों बहुत अच्छे लगे. ज्यादा जोड़ी किसकी अच्छी लगी, अक्षय करीना की या दिलजीत कियारा? एक्चुअली नंबर वन तो अक्षय है, सेकंड करीना है और बाकी फिर वो दोनों का कपल तो अच्छा लगा है. बेस्ट पार्ट क्या लगा? बेस्ट पार्ट तो मतलब एक बोलते ना सीरियस इशू को इतने अच्छे से पेश किया ना कॉमेडी तरीके से कि पूरी पिक्चर में हंसा हंसा के पेट दुखा दिया, ये सबसे बेस्ट पार्ट है पिक्चर का. पिक्चर के सॉन्ग्स कैसे लगे? गाने भी अच्छे हैं, मतलब पूरी पिक्चर का पिक्चराइजेशन है ना, एक मिनट भी बोर नहीं होने दिया. पूरी सब्जेक्ट एकदम छोटा सा था लेकिन वही पिक्चर को इंटरेस्टिंग बनाना आना चाहिए. तो स्क्रीन प्ले, डायलॉग, सीन्स, बहुत सब कुछ मस्त था, एकदम मजा आ गया. कितना स्टार देना चाहेंगे? मैं तो दूंगी 4 दूंगी. थैंक यू सो मच मैम. मैम कैसा लगा आपको मूवी? गुड, बहुत अच्छी लगी, हिलेरियस थी. और सबसे अच्छी की बात की जैसे कि आजकल का ट्रेंड है कि अक्सर फिल्मों में वही दिखाते हैं जो बासी जो इंटरनेट में आते हैं उनको कर लिया, तो वैसा नहीं. स्क्रिप्ट पे प्रॉपर मेहनत की गई है. डायलॉग बहुत हिलेरियस है. स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है. कहानी बहुत अच्छी है, कुछ अलग तरह की है. और लगता नहीं है कि डायरेक्टर नया है, ऐसा लग रहा था जैसे ऋषिकेश मुखर्जी या बासु चटर्जी की फिल्म देख रहे हैं. बहुत मजा आया. इसकी जोड़ी ज्यादा अच्छी लगी कि यारा? दोनों चारों ने एक तो बहुत बढ़िया एक्टिंग की. ठीक है, कॉमिक टाइमिंग सबसे अच्छी अक्षय की थी लेकिन चारों ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की. मूवी का बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? एंड बहुत अच्छा लगा. और जिस तरह से वो लोग अपनी वाइफ के बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं, ये एक बहुत अच्छा मैसेज भी देती है फिल्म.
तो बहुत इमोशनल, बहुत जो और ये अच्छा लगा कि दोनों को जो बच्चा होता है वो बेटियां होती है। सॉन्ग कैसे लगे आपको? हाँ, वो सॉन्ग सारे ठीक ठाक थे, कहानी इतनी अच्छी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, एक्टर, सब कुछ इतना अच्छा था कि फिल्म शुरू से एंड तक बांधे रही। कितने स्टार देना चाहेंगे? मैं 4 दूंगी। मैम कैसी लगी आप लोगों को? It was a very nice movie. I had a lot of fun. I think I was just laughing throughout. बहुत अच्छी लगी। The first half was so crazy. हम लोग अपनी सीट से ऊपर, we were literally laughing all the time. And at the same time, it was very sensitive towards certain topic also. So it was really nice. Best combination, I think. Okay. Best जोड़ी किसकी लगी? Yeah, honestly, I love Kareena. So I would say Kareena and Akshay, but Daljeet Doshanth was also damn funny. He was good. So I think all 4 of them were good. All of them were quite nice. But yeah, Kareena Kapoor was amazing. So. Movie का best part क्या लगा? First half yeah. हंस हंस के पागल हो रहे थे हम लोग. तो first half was the best. आपको क्या लगा? I think Akshay's dialogues were really good. So it was very nice. Songs कैसे? Songs are nice. इतने ज़्यादा भी नहीं लगे. There too many songs are there in the movie and you know things like that. So it was nice. ऐसा नहीं था कि बार बार ये गाने आते रहते थे, इट नाइस। ऐसा कोई पार्ट लगा मूवी में जो नहीं होना चाहिए था? ऑनेस्टली टू मी द एंड वाज अ लिटिल, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू, बट एंड थोड़ा सा अब्रप्ट था, कुछ तो था, दैट कुड हैव बीन बेटर, बट ओवरऑल अ वेरी नाइस फिल्म, मस्ट वॉच। या आई लव्ड इट, इट वाज नाइस। 4 out of 5 Agreed. 4 out of 5 सर मूवी कैसी लगी आप? हाँ, ऑन द होल मूवी इज वेरी गुड। जैसे नाम ही गुड न्यूज है तो मैं कहूँगा इट्स अ गुड मूवी, बिकॉज जो उम्मीद लेके मैंने सोचा था कि इट विल बी मोर ऑफ अ कॉमेडी, लेकिन पता चला कि कॉमेडी के नीचे देर आर लॉट ऑफ लेयर्स, यू नो, इमोशन है, सेंटिमेंट है, और मदरली सेंटिमेंट जो मदर एंड बेबी का प्रेगनेंट प्रेगनेंसी में जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेंटिमेंट दिखाया है। तो मैं सोचता हूँ कि दिस इज़ वेरी गुड एंटरटेनमेंट फॉर मैरिड कपल्स, खास तौर पे क्योंकि बच्चे आईवीएफ प्रोसेस, फर्टिलिटी का, स्पर्म का वो समझ नहीं पाएंगे, बट इट दिस इज़ वेरी गुड एंटरटेनमेंट फॉर न्यूली मैरिड कपल्स एंड फॉर एवरी मदर एंड एवरी वाइफ। दिस इज़ अ एक्सेलेंट एंटरटेनमेंट बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा फेमिनिन सेंसिटिविटी है, एंड मैं ये सोच के आया था कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी होगी, कॉमेडी तो है भरपूर, बट कॉमेडी के साथ साथ देर इज़ अ कॉकटेल और ब्लेंडिंग ऑफ इमोशन एंड सेंटिमेंट। तो ओवरऑल मैं इस फिल्म को आउट ऑफ 5 4 स्टार्स दूंगा। कौन से आपको अच्छे लगे ज़्यादा? नहीं, बोथ कपल्स आर वेरी गुड, लेकिन दिलजीत और कियारा का फर्स्ट टाइम कॉम्बिनेशन है, इसलिए वो ज़्यादा सरप्राइज है, और मैं समझता हूँ उनका जो दिलजीत का परफॉर्मेंस इज द सरप्राइज पैकेज, बिकॉज बेसिकली वो सिंगर है, ही इज़ मोर ऑफ अ पॉप सिंगर, तो उसके परफॉर्मेंस में एज अ कॉमेडी एंड इमोशन दोनों में वो छा गया है, और अक्षय कुमार खासतौर पर अमुक पर्टिकुलर सीन्स में जहाँ वो एक उनका रोने का सीन है, जो मैं अभी सस्पेंस खोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनका रोने का सीन है, वो पूरी ऑडियंस उसके साथ रोएगी, इतना मेरा दावा है। सॉन्ग्स कैसे लगे सर? सॉन्ग्स आर वेरी गुड, मेरे ख्याल से धीरे धीरे पिकअप हो जाएंगी, तो एज ऑफ नाउ ये सब्जेक्ट ही इतना पावरफुल है, तो मुझे लगता है कि सॉन्ग्स इज जस्ट आइसिंग ऑन द केक, लेकिन सब्जेक्ट जो है इसमें कॉमेडी और इमोशंस इतना स्ट्रांग है, तो म्यूजिक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट। कितने स्टार देना चाहिए? 4 out of 5 स्टार्स। सर गुड न्यूज़ कैसी लगी आपको? गुड न्यूज़ मूवी देखी मैंने, अच्छी लगी, इंटरटेन मूवी है, और स्टोरी अच्छी है, और परफॉर्मेंस भी अच्छा है दोनों चारों। कौन से कपल ज़्यादा अच्छे लगे, बत्रा वर्सेस बत्रा? तो अब देखो करीना और अक्षय की बात, अक्षय की बात करें वो तो पहले से, उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में पहले भी की हैं, और उनकी हर फिल्म ज़्यादातर हिट ही रही है, और काफ़ी टाइम बाद उन लोगों का एक साथ आए हैं। लेकिन जोड़ी की बात करें तो अगर दिलजीत और कियारा की बात करें, अगर बेटर, और दिलजीत का ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब जब उसकी एंट्री होती है उसके बाद तो समझ लो पब्लिक का पूरा एंटरटेन है। बेस्ट पार्ट क्या लगा मुझे? बेस्ट पार्ट पहला पार्ट जो है उसका बेस्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में क्या है कि एक्चुअली थोड़ा सा क्या है, जब आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ
बच्चों को लेकर, मतलब क्या वो मेरा है या वो मेरा है, तो उसमें क्या थोड़े इमोशंस आ जाते हैं, वो सारी चीज़ जो है, तो धीरे धीरे थोड़े बीच बीच में थोड़ा सा मतलब आया भी है या थोड़ा बोरिंग, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो है फुल इंटरटेन पार्ट है। Okay, ऐसा कोई पार्ट आपको लगा जो मूवी में नहीं होना चाहिए था? देखो शुरू से अंत तक देखी तो बीच में कुछ पार्ट के कहा एक दो पॉइंट वैसे कुछ ऐसा लगा नहीं कि नहीं होना चाहिए था, पिक्चर की जो भी लेंथ है या जो पिक्चर को जैसे पिक्चराइज किया गया है बराबर है, लेकिन बीच में कुछ अगर देखा जाए तो वो चीज़ भी इतनी नोटिस नहीं होगी जिस तरीके से अगर शुरू से अगर कुछ होता कि बोरिंग होती या कोई कोई जगह ऐसा होता कि लगता है कि हाँ भाई एक्स्ट्रा लिया गया तो बोल सकते थे, बट ये कि जब शुरू से इंटरटेन होगा तो होते होते पब्लिक उस चीज़ को वो नहीं करेगी, जब वो इंटरटेन करेगी तो बाद का इमोशन मिसिंग देखेगी। सॉन्ग्स कैसे लगे? सॉन्ग्स आ रहे अच्छे उसके, बाकी वो सौदा खरा खरा तो एक्चुअली वापस आया है सुक्की का, बट ये क्या उसका प्रमोशन सॉन्ग था, अगर उसमें वो जो लोगों ने देखा है अगर वो उसमें डाल देते एंड में तो और भी बेटर रहता, बट सॉन्ग सारे अच्छे हैं। कितने स्टार दे रहे हैं? मैं 5 में से 4 दूंगा। मैम गुड न्यूज़ मूवी कैसी लगी? गुड न्यूज़ मूवी मुझे गुड न्यूज़ की तरह लगी है, बहुत अच्छी फिल्म है और जैसे कहते हैं कि 2019 एंड हो रहा है और हमेशा हम एक पूरे साल को उसकी अच्छाइयों के लिए याद करते हैं, तो आई थिंक गुड न्यूज़ हमें 2019 की सबसे बेस्ट मूवी में से एक मिली है। ओके, मूवी का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? बेस्ट पार्ट दोनों में से मुझे आई थिंक तक दोनों ही हैं, क्योंकि फर्स्ट हाफ में आपको कॉमेडी मिल रही है, सेकंड हाफ में आपको इमोशंस मिल रहे हैं, तो आई थिंक दोनों ही बेस्ट पार्ट है। ओके, तो अच्छी जोड़ी कौन सी लगी आपको, मतलब फेवरेट जोड़ी कौन सी हो गई आपकी, बत्रा वर्सेस बत्रा? आई थिंक दोनों बत्रास की जो जोड़ी है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही मुझे ऐसा लगता है कि दलजीत और कियारा को कम दिखाया गया है, बाकी पूरी जो फोकस है वो अक्षय और करीना पे ही चला गया था, तो आई थिंक इट्स मतलब लाइक यू नो फेयर इनफ कि दोनों को फर्स्ट हाफ से थोड़ा पहले दिखाया लेकिन क्वाइट गुड। ओके, कौन ज़्यादा हॉट लग रहा था, करीना या कियारा? कियारा। ओके, मूवी का ऐसा कोई पार्ट है जो आपको लग रहा नहीं होना चाहिए था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा मतलब सेंसिटिव टॉपिक को एक अच्छे तरीके से दिखाया है, कई लोग IVF को लेके काफ़ी ज़्यादा अलग अलग थॉट्स में रहते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को, मैं ये नहीं कहूँगी कि चेंज करने के लिए कोई मैसेज दिया है, लेकिन स्टिल उस चीज़ को ट्राई करने के लिए एक चीज़ दिखाई है। ओके, सॉन्ग्स कैसे लगे? कैसा लगा आपको बताओ, आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, आप मुझे भी बहुत अच्छे लगे, इवन फिल्म का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है, यू नो जो एक पॉइंट्स में चीज़ें होनी चाहिए बारीकी से अगर देखा जाए तो फिल्म काफ़ी खरी उतरी है। ओके, ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे मूवी से रिलेटेड? नहीं, मैं यही बोलूँगी कि 2019 की गुड न्यूज़ आप देखने ज़रूर 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 जाइए, क्योंकि ऐसे ही इस गुड न्यूज़ के पीछे 2 Z नहीं लगे हुए, तो अब जब जाएंगे तो आपको असली मतलब समझ में आएगा कि 2 Z एग्जैक्टली है क्यों। मैम कैसी लगी आपको अक्षय कुमार की गुड? मुझे इतनी गुड नहीं लगी, मुझे इतना मज़ा नहीं आया, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट थी, बहुत ज़्यादा थी फिल्म से, पर मैं थोड़ी मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी फिल्म। ओके, कौन सी जोड़ी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, बत्रा वर्सेस बत्रा? यार मुझे यार दिलजीत बहुत पसंद है और मुझे वो बहुत नेचुरल लगते हैं, वो कुछ भी करते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, तो और मेरे को कियारा बहुत अच्छी लगी, तो आई थिंक आई विल से बिकॉज मुझे लगता है उन दोनों का केमिस्ट्री ज़्यादा नेचुरल था, अरीना और अक्षय इंडिविजुअली जितने सही हैं साथ में लगते अच्छे हैं, पर उनकी कॉन्वर्सेशन इतनी नेचुरल नहीं लगी, इतनी ऑर्गेनिक नहीं लगी, तो आई थिंक आई विल गो विद दिलजीत और कियारा, हालांकि मैं बोलूँगी कि पंजाबीज को थोड़ा स्टीरियोटाइप करता हुआ लगा मुझे, इतने ही लाउड और इतने ही फ्लैशी नहीं होते हैं, पर ठीक है, आई थिंक दे पुल्ड इट ऑफ रियली वेल बोथ ऑफ देम। ओके, मूवी का बेस्ट पार्ट क्या लगा? यार क्योंकि मुझे इतनी पसंद नहीं आई तो मुश्किल है मेरा ये जवाब देना, पर कुछ मैं कहूँगी कुछ जेन्युइनली अच्छे जोक्स हैं, कुछ जेन्युइनली अच्छे मोमेंट्स हैं फिल्म में, पर वो ही हैं बस, कुछ फनी सीन्स हैं, वो ही मैं बोलूँगी कि अच्छी चीज़ है, आई थिंक सॉन्ग्स हैव बीन पिक्चराइज्ड रियली वेल। ओके, ज़्यादा हॉट कौन लग रहा था, करीना या कियारा? अरे यार ये कैसा सवाल है, आई थिंक आई डोंट नो, आई थिंक बोथ ऑफ देम, व्हाई विल आई से कि ज़्यादा कौन, आई थिंक बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली स्टनिंग एंड आई वुडंट लाइक टू यू नो कंपेयर टू वुमेन इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, आई थिंक दे बोथ आर वेरी गुड एक्टर्स, कियारा हैज इम्प्रूव्ड सो मच एज एन एक्टर एंड बोथ ऑफ देम आर स्टनिंग हॉट एंड एक्सट्रीमली प्लेजेंट ऑन स्क्रीन। ओके, कितने स्टार देना चाहेंगे आप? आई थिंक 2। तो फ्रेंड्स आपने देखा गुड न्यूज़ ने हर एक के चेहरे पे स्माइल ला दी है, तो आपको तो परसों तक का इंतज़ार करना ही होगा, और गुड न्यूज़ की अगर बात करें तो गुड न्यूज़ सबको बहुत पसंद आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड है मूवी गुड न्यूज़ के लिए, और हमारे चैनल बॉलीवुड स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए।